राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय का 111वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम सुरेश भट्ट सभागृह में शनिवार को संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद उपस्थित हुई थी, जिन्होंने छात्रा को संबोधित किया। राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर ली है और इस वर्ष को शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय के शीतकालीन 2022 और ग्रीष्मकालीन 2023 में आयोजित विभिन्न संकायों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में डीएससी स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले डॉ. रामचंद्र हरिसा तुक्करी और डॉ. टीवी गेडांग को सुवर्ण पदक, आचार्य पदवी प्राप्त विद्यार्थी राजश्री रामटेके को राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया गया। इस दीक्षांत समारोह में 129 शोधार्थियों को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस वक्त राष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि डिग्री लेना ही शिक्षा पा लेना नहीं है। छात्रों ने हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए और निरंतर नई चीजें सीखना चाहिए। आज आप सबको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस विश्वविद्यालय के पूर्व दीक्षांत समारोह की गरिमा बढ़ाने वाले व्यक्तित्व में डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सी वी रमन, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, श्री सी राज कपलचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जैसे मूर्धन्य लोगों ने के नाम है। इस दीक्षांत समारोह के दौरान ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि डिग्री प्राप्त करने वाले करीब 80,000 विद्यार्थियों में आधी से ज़्यादा बेटियाँ हैं। मैं उन 129 विद्यार्थियों को भी विशेष बधाई देती हूँ जिन्होंने आज पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इन 129 पीएचडी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 57 बेटियाँ हैं। मैं इस अवसर पर विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों तथा विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बात है कि वह ज्ञान अर्जित करे और देश के विकास में योगदान दे। हमारे नागपुर विश्वविद्यालय का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज, इनका नाम इस विश्वविद्यालय को मिला है। तुकड़ोजी महाराज महान समाज सुधारक थे और समाज प्रबोधन, समाज शिक्षण और समाज संस्कार, लोक संस्कार, इस त्रिसूत्री के ऊपर आधारित उन्होंने बहुत बड़ा सामाजिक काम विशेष रूप से विदर्भ के क्षेत्र में किया है। हमारे विश्वविद्यालय की ये भी विशेषता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी, पूर्व उपराष्ट्रपति हिदायतुल्ला जी और पूर्व चीफ जस्टिस शरद बोबड़े जी हमारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे हैं। इतना ही नहीं तो हमारे जो पूर्व विद्यार्थी हैं वो देश में ही नहीं तो विश्व में अनेक क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम उनके द्वारा हुआ है। हमारे विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी होने के नाते मुझे भी इस विश्वविद्यालय में अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई है। मुझे विशेष रूप से इस बात की खुशी है कि हमारी यूनिवर्सिटी और विशेष रूप से हमारे महाविद्यालय, इन्होंने अपना एक गरिमामय स्थान ऐसा निर्माण किया है। आने वाले समय में नॉलेज ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बात जरूरी है कि देश के लिए अनेक बातों का महत्व है पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नॉलेज, और नॉलेज का वेल्थ में रूपांतर करना, यही विश्व शक्ति, विश्व पावर बनाने के बारे में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना
और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ये नॉलेज के बिना संभव नहीं है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, जिन्होंने कहा कि विद्यापीठ को 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने विद्यापीठ को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। विद्यापीठ इस राशि का उपयोग विकास एवं छात्रों के कल्याण के लिए करे। अनेक महनीय व्यक्ति या विद्यापीठाचे विद्यार्थी राहिलेले आहेत, इथले स्नातक राहिलेले आहेत, त्यामुळे आता एक नवीन संधी आमच्या येणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी मिळणार आहे। नवभारताच्या निर्मितीमध्ये सहभागी होण्याची संधी ही आता आमच्या या संपूर्ण नवीन पिढीला, नवीन विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी मिळणार आहे। आणि मला विश्वास आहे की भारतामध्ये ज्या प्रकारचे आपल्याला ब्राईट माइंड्स या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत, त्याच्या आधारावर भारत हा निश्चितपणे पुढे जाईल। आज खरं म्हणजे भारताच्या प्रगतीमध्ये सर्वात महत्त्वाचा रोल जर कशाचा असेल तर तो टॅलेंट आणि टॉलरन्सचा आहे। भारतामधलं जे कौशल्य आहे ते कौशल्य खऱ्या अर्थानं भारताला पुढे नेत आहे, आणि त्यासोबत भारताची जी सहिष्णुता आहे, आमची जी या ठिकाणी लोकशाही आहे, या लोकशाहीच्या माध्यमातनं ज्या प्रकारचं संविधान भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला दिलं, ज्यांनी संधीची समानता दिली, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला आज या ठिकाणी संधी आहे, या संधीचा उपयोग करत आज आपल्या देशाला आपण पुढे नेऊ शकतो। राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपूर विश्वविद्यालय का 111वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विद्यापीठ के काफी छात्र शामिल हुए थे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।